नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल्स ER CAD मास्टर पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको शीट मेटल में सिंपल होल के बारे में बताऊंगा। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सट्रूड कट के बारे में बताया था, जिसके अंदर हम कोई सी भी प्रोफाइल ड्रा करें शीट मेटल के प्लेट के ऊपर, उसको हम कट कर सकते, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे सर्कुलर हो। तो उस वीडियो को आप लोग ध्यान से ज़रूर देखना, और अगर कोई भी उसके अंदर आपको डाउट हो या फिर कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप मुझे उसके ऊपर एक बार दोबारा, मतलब उस टाइप में उस तरह से बता के, थोड़ा डिटेल में बताने के वीडियो बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दोस्तों कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल्स इंजीनियर CAD मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन बेनिफिशियल वीडियोस को अपने दोस्तों तक प्लीज़ इंजीनियर्स फैलाइए, ताकि सब इसका बेनिफिट्स ले सकें। ठीक है, तो आते हैं हम सिंपल अपने सॉलिडवर्क्स की स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको शीट मेटल में सिंपल होल टू कमांड के बारे में बताऊँगा कि कैसे हम एक प्लेट के ऊपर, शीट मेटल प्लेट के ऊपर हम सिंपली होल करते हैं। ठीक है ना, अब इसके नाम से मालूम चल रहा है ये सिंपल होल, मीन्स इसके अंदर हम सिंपली होल कर सकते हैं, मतलब सर्कुलर की प्रोफाइल ड्रॉ करके, मीन्स की सर्कुलर की प्रोफाइल आपकी कट कर सकते हैं सर्कुलर वे में। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर वे में, ना एलिप्टिकल वे में, बस सर्कुलर वे में हम उसके अंदर कट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, ये पार्ट मोल्डिंग में आपको ड्रॉ करेंगे, तो हम यहाँ से प्लेन, वैसे हम प्लेन यहाँ से भी ले सकते हो, बट हम शीट मेटल में यहाँ से, हम रूल आपका ये बनता है कि आप शीट मेटल में प्लेन जब भी ड्रॉ करो तो यहाँ से प्लेन लो। तो हम बेस प्लेन बट टैप पे क्लिक करते हैं, यहाँ से मैं फ्रंट प्लेन क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब कंट्रोल एड करेंगे, अब यहाँ से मैं स्केच पे जाऊँगा। अब मैं एक, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेट है सेंटर रेक्टेंगल, अब सेंटर पे क्लिक कर दूंगा ओरिजिन पे। ठीक, अब यहाँ से मैं रैंडमली विदाउट डायमेंशन में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। अब मैं इसको थोड़ा रोटेट कर दूँ ताकि मुझे इसकी थिकनेस दिख सके। मान लो अगर इसकी आपको थिकनेस कम करनी हो तो मान लो यहाँ से मैनुअली कम कर सकते हो, मान लो इसको मुझे 1 का करना है। ठीक है, तो ये 1 की होगी। ठीक है, अब ये डायरेक्शन इसकी रिवर्स करनी हो, के फैक्टर आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, मैंने आपको बताया था, और ये बाकी सब बता चुका हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ से हम इसको सिंपली ओके कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब जैसे मैंने ओके कर दिया तो ये हम, ये हमारी प्लेट रेडी हो गई। ठीक है ना, मतलब उसका कलर येलो से ये चेंज हो गया। ठीक है ना, आपका ये सॉलिड हो गई। ठीक है, तो चलिए अब इसके ऊपर मटेरियल, अगर हमें कर मटेरियल कलर करना हो तो यहाँ से हम, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, इस पर क्लिक करेंगे, मेटल पर जाएंगे, एलुमिनियम पर जाएंगे। ठीक, हमें क्या करना है, पॉलिश्ड एलुमिनियम पर, बर्निश्ड एल्युमिनियम करना है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको ड्रैग करवाते हैं, पार्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे फिर। ठीक है, देखिए इसका कलर चेंज हो गया आपका दोस्तों। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली होल करना है, तो मैं क्या करूँगा, शीट मेटल पे जाता हूँ। ठीक है, सिंपल होल पे क्लिक करेंगे, इस प्लेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया हमने, और अगर आपको देखिए यहाँ पे दे रखा है इसका डाया, अगर आपको इसको डाया अगर बढ़ाना हो तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे 20 करना है, और एंटर कर देता हूँ, ये डाया बढ़ गया इसका। ठीक है, अगर आपको इसकी डेप्थ वैल्यू बढ़ाना, डेप्थ वैल्यू से कोई एंटर नहीं था, क्योंकि डेप्थ वैल्यू कितनी बढ़ा लो, आपकी थिकनेस कितने की, 1 की है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है ना, ये देखिए रूलर, बहुत ही अच्छी बात लगती है मुझे इस सॉफ्टवेयर में कि एक रूलर आ जाता है कि आप, मतलब बता दे दिए 40 है, वहाँ पे भी दिखा रहा है मैनुअल में, मतलब आपकी डेप्थ वैल्यू 40 दिखा रहा है, 50, तो बहुत ही अच्छा फीचर है इसके अंदर ये। ठीक है ना, और यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा, तो ये आपका देखिए सिंपल होल इसमें लग गया। आप इसे तो दोबारा करना चाहो तो दोबारा आप कर सकते हो। ठीक है ना, जितनी बार आप करना चाहो उतनी बार आप कर सकते हो इसके ऊपर अप्लाई। ठीक है ना, तो दोस्तों ये था इसके अंदर शीट मेटल में सिंपल होल। तो आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा। अगर मुझे, अगर इसी के ऊपर एज फ्रेंच भी लगाना हो तो मैं क्या करूँगा, एज फ्रेंच पे करूँगा दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियोज में बता रखा था, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक, देखिए इसका रेडियस बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यूज डिफ़ॉल्ट रेडियस पर अनचेक करूँगा, तो ये हाईलाइटेड, जैसे ही मैं इसके ऊपर अनचेक करता हूँ तो ये हाईलाइटेड हो जाता है। अब मैंने ऐसा इसलिए क्यों किया, क्योंकि इसका बैंड रेडियस मुझे कम करना है, बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। ठीक है ना, 18 कर रखा है बाइडिंग, मतलब मैंने पहले काम किया होगा इसके ऊपर, तो मैंने 18 कर रखा होगा, इसको मैं 0.1 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। देखिए, और इसका एंगल 90 डिग्री। ठीक है ना, ये आपका एज फ्लेंज लग रहा है। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री पे, अब देखिए एज फ्लेंज भी एक बार हो गया, आप इस प्लेन पर लगाएं, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, आपको यहाँ पे लगाना हो इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक,
आपको यहाँ पे लगाना हो इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, ये हो गया आपका, यहाँ से इसको आप ओके कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको एच फ्लेंज के बारे में प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा हो, ठीक है ना। मैं आपको इसलिए अलग अलग, मतलब जैसे कि जो मैं कमांड बोल रहा हूँ, मैं मतलब जैसे कि स्टूडकट है तो स्टूडकट के बारे में मतलब इसलिए बताता हूँ क्योंकि ताकि आप अलग अलग मतलब सब मिक्स हो जाएगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको सेपरेट करके बताता रहता हूँ। ये तो मैंने कहा कि चलो दोस्तों बता देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैंने आपको सिंपल होल्ड के बारे में बता दिया और एक्सट्रूड कट के बारे में बता दिया, ठीक है ना। अब सिंपल होल्ड के बारे में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको बताऊँ इसमें देखिए क्या करना है आपको, बस एक प्लेट ड्रॉ करनी है और सिंपल होल पे जाना है, सिंपल होल पे क्लिक करना है आपको, उसके आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। और जैसे आइकन पे क्लिक करेंगे और आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको जिस सरफेस पे क्लिक करना है, फेस पे आपको ड्रॉ करना है, वो फेस आप ड्रॉ कर देंगे। अभी यहाँ का एक ही मतलब प्लेट ड्रॉ की हुई थी मैंने, मान लो कि अगर आप कोई असेंबली कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, ठीक है ना, उसके लिए तो आप मतलब कोई बड़ा पार्ट बना रहे हो, मतलब उसके लिए, ठीक है ना, एक्सरसाइज बना रहे हो, तो उसके लिए आप कोई सा भी फेस चूज कर सकते हो, उसके ऊपर सिंपल होल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये बैंड है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। इसके बारे में आप लोग ध्यान जरूर देखना ध्यान से दोस्तों, ठीक है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन बेनिफिशियल वीडियोस को प्लीज़ इंजीनियर्स फैलाइए। तो दोस्तों मैं देखिए जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा मोटिवेशन मेरा बढ़ेगा, तो मैं आप लोग के लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद इंजीनियर्स हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल से जुड़े रहने के लिए।